नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। निकाय चुनाव जहां चरम पर है तो वही हर पार्टियों के नेता कार्यकर्ता भी अपने अपने उम्मीदवार के लिए जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं। मुरादाबाद में भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने भी मुरादाबाद के वार्डों में पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की और वार्डों के भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के कार्यालयों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोटों की अपील की और मुरादाबाद की बेहतरी के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का संकल्प भी लिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न वार्डों में जो हमारे पार्षद पद के हमारे उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, आज दीवान का बाजार मंडल में मैंने यहाँ का दौरा शुरू किया। सर्वप्रथम कानून गोयान मोहल्ले में कोमल रस्तोगी का कार्यालय का उद्घाटन किया, वहाँ पे चुनाव प्रचार गली गली जनसंपर्क किया। उसके बाद वार्ड नंबर 55 के अंदर प्रेम प्रजापति की पत्नी मंजू प्रजापति के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और वहाँ पे किया और वहाँ पे मंदिरों में दर्शन किए। उसके पश्चात दीवान का बाजार, यहाँ पर हमारे अनुज अग्रवाल जी प्रत्याशी हैं, आज इनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। अब आगे बंगला गांव और नवीन नगर रामगंगा विहार उस तरफ के लिए आगे दौरा, ये काफिला बढ़ता चलेगा।